नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बदल रही है, पूरी स्थिति को बताएंगे। जेएमएम ने क्या प्रोग्राम बनाया है, उसके पास क्या प्लान है, अगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त हो जाते हैं तो अगला प्लान भी क्या होगा, और क्या ये सबके बीच में रोजगार संकट भी हो जाएगा, जो वैकेंसी आई हुई थी उसका क्या होगा। इसे लेकर तमाम स्टूडेंट के दिमाग में कई प्रकार की भ्रांतियां होगी, तो उसको आज दूर करेंगे। इस वक्त जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी दिल्ली गए हुए हैं, क्या कारण है ये भी बताएंगे। हेमंत सोरेन अपनी माता का इलाज करवाने के लिए हैदराबाद में है। दो चीजों को हम बताने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग विशेष विमान से मुख्य सचिव को चिट्ठी सौंप देता है, सब कुछ जल्दीबाजी में हो रहा है। इसी बीच में जेएमएम की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल केस लड़ सकते हैं। इस वक्त हम तक खबर आ रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी दिग्गज वकील है सुप्रीम कोर्ट के, कपिल सिब्बल दिग्गज वकील है सुप्रीम कोर्ट के। अभी जो जहांगीरपुरी वाला मामला हुआ था इसमें भी ये लोग वकील थे, और 24 घंटे के अंदर ही रुकवा दिया था बुलडोजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर इस समय में है कि जेएमएम ने पूरी प्लान तैयार की, जिसमें सबसे पहले चुनाव आयोग को टाइम पिटीशन डाला जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री की माता का इलाज के क्रम में मुख्यमंत्री का नहीं होना झारखंड में वो बताया जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम की मांग की जाएगी, यानी कि 10 मई तक का जो समय मिला है इसको टाल करके 20-25 मई तक बोला जा सकता है। अगर चुनाव आयोग नहीं मानता, मान लीजिए कि चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हमने टाइम दे दिया था, आपको आंसर देना चाहिए, तो आप आंसर नहीं दिए हैं तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो इसके बाद प्लान बी है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा, जेएमएम सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 9A के तहत काम करेंगे, और ये बताएंगे कि क्या मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से कोई जानकारी छुपाई थी या उन्होंने बता दिया था। अगर उन्होंने माइंस उनके नाम से अनगड़ा में 0.86 एकड़ का माइंस है तो उसकी माइनिंग तो कभी हुई नहीं, इसलिए दोहरे लाभ का प्रश्न नहीं उठता है। प्लान बी का दूसरा कड़ी है कि ऐसी हालत में अगर मुख्यमंत्री को हटना ही पड़ेगा, ऐसी हालत में उनके पिता शिबू सोरेन को जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। इससे क्या फायदा होगा, शिबू सोरेन को हर लोग मानते हैं, देशों गुरु के रूप में जाने जाते हैं, दूसरी पार्टी में भी उनकी काफी प्रतिष्ठा है, इसलिए जब शिबू सोरेन सत्ता में आएंगे ऐसे में क्या होगा कि तमाम जेएमएम के विधायक एकजुट रहेंगे, कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाएगी और बीजेपी को भी मौका नहीं मिलेगा, तो सत्ता का समीकरण से बदलेगा, हेमंत सोरेन के स्थान पर शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बन जाएंगे। प्लान सी भी तैयार रखा गया है कि अगर शिबू सोरेन के भी पुराने केसेस को खोल दिया गया तो क्या उनका भी मुख्यमंत्री बनने में दिक्कत होगा, तो फिर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को बनाया जा सकता है। हालांकि वो बाद की स्थिति होगी, उसके पहले जेएमएम चाहेगा कि शिबू सोरेन को सामने लाया जाए। इसी बीच दिल्ली में सुप्रियो भट्टाचार्य जी कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के नेताओं से भी बात करेंगे। आपने इधर हाल के दिनों में देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने जैसे कल बाबूलाल मरंडी और रघुवर दास के जन्म की शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ साथ जो संजय सेठ जो रांची के सांसद इलाजरत है उन्हें देखने भी पहुंचे, पार्टी लाइन से अलग हटकर के, और इसे मानवता की मिसाल भी कहते हैं कि आप पार्टी लाइन से अलग हटकर मानवता के नाम पर सब लोगों के साथ मित्रता रखते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जी दिल्ली में विधि विशेषज्ञ से तो बात करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ उनकी योजना होगी कि वो बीजेपी के तक भी लिंक बैठाने की कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी को कन्विंस करें कि सरकार आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही है झारखंड में, और दूसरा कि अगर कांग्रेस के साथ दिक्कत चल रहा है तो हम बीजेपी के साथ जुड़ने को तैयार है, क्योंकि पूर्व में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी का सहयोगी रह चुका है झारखंड में। राजनीति में कब कौन किसका दोस्त बनेगा और कब दुश्मन हो जाएगा ये बोलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मुद्दे राजनीति में मुद्दे जो है जलाए नहीं जाते, दफना करके रखे जाते हैं, और जब जरूरत पड़ता है तो उसे कब्र से बाहर निकाला जाता है, और वैसे समय में मुद्दों को सामने रख दिया जाता है।
बीजेपी का जो स्टैंड है वो क्लियर है, वो एक अलग राष्ट्रवादी विचारधारा में चल रही है। अगर जेएमएम के दो तीन बयान हाल में देखे तो मोदी जी का तारीफ करने वाला बयान भी आपने देखा होगा। इसके पहले कभी भी कोरोना के समय में भी हेमंत सोरेन जी ने मोदी जी का तारीफ नहीं किया था, लेकिन इस वक्त वो तारीफ कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस वक्त जेएमएम को लगता है कि सरकार को पहले बचाया जाए, क्योंकि बाकी आधा समय अभी बाकी है सरकार का। और ऐसे में बीजेपी की रणनीति ये होगी कि वो सरकार को बैकफुट पर डाले, बर्खास्त करवाए गवर्नमेंट को, और जब जैसे ही गवर्नमेंट बर्खास्त हो जाएगा तो फिर बीजेपी को मौका मिल सकता है। राज्यपाल की विवेक की शक्ति होती है कि वो अपने इच्छा के अनुरूप वो चाहे तो एक किसी भी पार्टी को वो बोल सकते हैं कि आप मेजोरिटी प्रूफ कीजिए। तो यहाँ पर एक मौका मिलेगा, और इस समय में भी हालांकि बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी कठिनाई होगी। अगर रघुवर दास राज्यसभा में नहीं जाते, अगर हेमंत सोरेन जी की भी सदस्यता चली जाती है, बसंत सोरेन जो दुमका के विधायक है उनका चला जाता है, तो उनकी संख्या घटेगा, तो यहाँ एक उम्मीद हो जाएगी कि रघुवर दास जी राज्यसभा जा सकते हैं। अगर वो नहीं जाते हैं तो झारखंड की राजनीति में क्या होगा? मान लीजिए बीजेपी को मौका मिलता है तो क्या बाबूलाल मरंडी चेहरा होंगे, या फिर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को बीजेपी ला सकती है राज्य में? बहुत सी संभावनाएं उस समय में देखनी पड़ेगी। हालांकि बहुत दूर की कौड़ी है, इतना आसान नहीं है कि सत्ता ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जेएमएम के लिए थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल दो तीन प्रकार से समझिए आप। युवा पहले से नाराज था, सोशल मीडिया में झारखंडी युवा मांगे रोजगार से लेकर के मुख्यमंत्री कुर्सी खाली करो, कई स्लोगन आपने देखा होगा लगातार चल रहा है, तो मुख्यमंत्री से नाराजगी सामने सामने दिख रही है। और प्रतिदिन मीडिया में ये जो माइंस वाला प्रकरण आया, बसंत सोरेन के नाम से ठीका, शिबू सोरेन के भी पुराने मामले, कल्पना सोरेन के नाम से 11 एकड़ जमीन का मामला, साहिबगंज में एसडीओ के पता पर ये करना, जो इनके सलाहकार हैं पीए हैं पंकज मिश्रा, अभिषेक जो श्रीवास्तव पिंटू श्रीवास्तव उनके ऊपर में जांच करना, ये बताता है कि पब्लिक के बीच एक मैसेज जा रहा है कि देखो पुरानी सरकार जो थी उसमें जीरो टॉलरेंस था करप्शन पे, और यहाँ पर करप्शन हुआ नहीं हुआ है बाद की बात होगी, लेकिन एक मैसेज चला जा रहा है लोगों के बीच कि सरकार के आने के बाद ये चीजें देखने को मिल रही हैं। और वहीं कांग्रेस के भी कई मंत्रियों पर और कई विधायकों पर भी जांच हो रहा है। तो सब मिलाकर के अगर देखेंगे तो आने वाला 15 दिन जेएमएम के लिए बहुत भारी होगा। अगर चुनाव आयोग जवाब देखने के बाद संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि आप जवाब में झूठ नहीं बोल सकते, तो फिर राज्यपाल को एक चिट्ठी भेज देंगे चुनाव आयोग, और राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देंगे। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा कि क्या ये संकट के समय में या तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा झारखंड में, अथवा मुख्यमंत्री और जेएमएम का जो प्लान बी है उसको लागू करने की कोशिश की जाएगी, और सबके बीच में